हेलो एवरीवन, आइए बात करते हैं अमोस के अंदर हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स की कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी कैसे निकाली जाएगी। हम ये बात करके देखते हैं जब हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर हो, एक से ज़्यादा हो, थर्ड ऑर्डर हो, इन सब के अंदर। और हम यूज़ करने वाले हैं प्रोफेसर गेस्किन की फाइल। अगर आप प्रोफेसर गेस्किन पे आते हैं, यहाँ लेफ्ट साइड को रिसोर्सेज में एक्सेल स्टैट टूल गिवन है पैकेज, इसको हम यूज़ करेंगे। तो आई होप आप में से बहुतों का एक्सपीरियंस है कि लोअर ऑर्डर के लिए कैसे काम करते हैं। तो फर्स्ट तो ये ध्यान दीजिए, अगर आपके पास कभी अमाउंट में सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है, तो सबसे पहले तो आपको काम करना है लोअर ऑर्डर्स में, जितने भी हैं, डजेंट मैटर, सबको सबसे कनेक्ट करें, उनको रन करें। रन करने के बाद हम इसकी कैसे निकालते हैं रिलायबिलिटी वैलिडिटी। तो गैस्किन सर की जो प्लगइन है, इसमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। इसमें पढ़ें, ये बोल रहे हैं कोरिलेशन टेबल को A1 में पेस्ट करें। तो आइए देखिए, कोरिलेशन टेबल है हमारे पास, इसमें हर कंस्ट्रक्ट से कोरिलेशन गिवन है। देखिए सबके नाम है ना, हर एक का हर एक से। सो कॉपी, और इसको कर लेते हैं A1 में पेस्ट। और स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन वेट, ये है स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन वेट। ये क्या होता है, हर कंस्ट्रक्ट अपनी स्टेटमेंट को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, राइट। इनको हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं F1 में, एंड देन प्रेस क्लिक मी, क्लिक करें। ये आ गई हमारी वैलिडिटी रिलायबिलिटी। और इसमें अगर आपके लोअर ऑर्डर हैं तो वो कहीं ना कहीं MSV की प्रॉब्लम आनी चाहिए, इसका मतलब है इनका हाई कोरिलेशन है किसी ना किसी के साथ, राइट। तो अब हम सेकंड स्टेप पे चलेंगे कि जब मैंने दिखा दिया कि इन तीनों का बहुत हाई कोरिलेशन है, अब चेक करें इनका कोरिलेशन 0.314332। ओके, उतना भी हाई नहीं है, लेकिन अगर मैं इन पे बोलता हूं कि भाई सेकंड ऑर्डर बनना चाहिए इनका DFG का, तो सबसे पहले तो डायग्राम ऐसे बनाएंगे। अब यहां प्रॉब्लम है कि जब इसके आउटपुट को हम वहां लेके जाते हैं तो वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वहां का मतलब है एक्सेल की फाइल में। आइए इसको रन करके देखते हैं। पहले इसको रन किया, रन करने के बाद आउटपुट आ गया है स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट। इन तीनों से तो निकलेगी कन्वर्जेंट वैलिडिटी BFG की। व्हाट अबाउट डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, तो ये 3, 4, 5, 8, इन सबसे निकलेगी डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी BFG की, राइट। इनकी तो आपस में पिछली टेबल में निकाल चुके हैं हम। तो इसको कैसे करें, बहुत ही सिंपल है। एस्टिमेट्स, स्केलर, कोरिलेशन में, ये देखिए हर एक का हर एक से कोरिलेशन है ना। अब हमें यूं पढ़ना है कि ये भूल जाइए BFG एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ ये देखिए एक है BFG और इन सब के साथ हमें देखना है। तो हर एक का हर एक से कोरिलेशन, तो वो हमारे पास बिल्कुल अवेलेबल है। इसको आप पेस्ट कर दीजिए A1 के अंदर, A1 में, करेक्ट। और F1 में हमें जाना है इस टेबल में से जो मुझे चाहिए, सिर्फ BFG एक्सप्लेन दिस। इसको ऐसे समझें, जैसे ए इन तीन से मिलके बना है, A1, A2, A3 से, डी इन तीन से मिलके बना है, उसी तरह से BFG इन तीन से मिलके बना है। तो जो लोअर ऑर्डर हैं वो मुझे हटाने होंगे यहां से। तो कॉपी करके मैं इसको ले चलता हूं कहीं और, पेस्ट कर लेते हैं इसमें फाइल में। लेट्स सी, इसको यहां पेस्ट कर लेते हैं, हटा देंगे बाद में। अब मुझे BFG चाहिए, ठीक है, ए बी नहीं चाहिए, बी हो चुका है। लोअर ऑर्डर के सारे आपको इसमें से हटाने पड़ेंगे, F का भी हटाइए और G का भी हटाइए, सिर्फ ये डाटा है जो मेरे पास रहेगा। कट करके इकट्ठा एक जगह कर लेते हैं इसे। ये है टेबल जो मुझे पेस्ट करनी है F1 के अंदर, इंक्लूडिंग द हेडिंग। सो कट, और इसको पेस्ट करें F1 में और क्लिक मी। दिया गया हमारा रिजल्ट एज सिंपल, BFG का कन्वर्जेंट वैलिडिटी, AVE, MSV, फॉर्नर लैकर क्राइटेरिया, ये सारा आ गया हमारा, गॉट इट। तो हमें क्या करना है, सिर्फ ऐसे मान के चलना है कि हमारा जो कंस्ट्रक्ट है वो सिर्फ इतना है, इनको छोड़ दीजिए आप। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी केस में बात करूं कि लेट से ई और ए ये भी एक सेकेंड ऑर्डर है, तो पहले तो थोड़े से इसमें मुझे चेंज करने पड़ेंगे। तो अब मैं इनके आपस के हटा देता हूं कंस्ट्रक्ट्स, और मैं एक ई का बना लेता हूं यहां पे। लेट से ये है मेरा ई, और ई के अंदर ये दोनों हैं। तो फर्स्ट तो लोअर ऑर्डर से कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहेगा, अब सारे रिलेशनशिप हायर ऑर्डर से रहेंगे। सो इनके ऊपर एक एक एरर टर्म आएगी, इन दोनों पे वन साइडेड एरर आएंगे, ई पे और ए पे। अगर कंस्ट्रक्ट में दो ही आइटम हो आपके पास तो दोनों के ऊपर वन लिखा जाता है, अदरवाइज अनआइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर तीन हैं तो कहीं पे भी लिख दीजिए। तो इसका नाम मैं रख देता हूं
ए ई, ये भी एक मेरा सेकंड ऑर्डर हो गया अज्यूमिंग, वो तो आपके पास होना चाहिए कंसेप्चुलाइजेशन से के बने। नेम अनऑब्जर्व वेरिएबल कर दें इसे, और इनको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं सारा, राइट। अब मुझे जो रिलेट करने हैं, सारे टू साइडेड ही आपस में रिलेट करने हैं, इसका इसका, लोअर ऑर्डर का बिल्कुल बात नहीं होगी। तो अब हमें जो लेके जाने पड़ेंगे एक्सेल टूल किट के अंदर, बी एफ जी की वैल्यू, ए ई की वैल्यू इन दोनों की, और सी और डी की वैल्यू अपनी अपनी सारी। ओके, सो लेट्स ट्राई टू रन इट। रन हो गया, इसका कोरिलेशन देखते हैं। कोरिलेशन में तो कोई दिक्कत आती नहीं, वो तो सिर्फ टू साइडेड के अंदर आता है। कॉपी और एक्सेल के अंदर पेस्ट कर लेते हैं इसे, और एफ वन में सिर्फ हायर ऑर्डर्स को लेना है, बाकियों को हमने ड्रॉप करना है। सो स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन वेट, इस पे कॉपी, एक्सेल के अंदर कहीं पे एक बार पेस्ट कर लेते हैं इसे। किस किस को हटा दें, बी एफ जी रहेगा, ए ई रहेगा, ए खत्म हो जाएगा लोअर ऑर्डर है, बी खत्म हो जाएगा लोअर ऑर्डर है, सी रहेगा हमारा, डी भी रहेगा, ई खत्म हो जाएगा लोअर ऑर्डर है, एफ भी, जी भी, ये भी लोअर ऑर्डर है। तो अब हमारे रहेंगे सिर्फ ये वाले, सिर्फ इतनी सी टेबल हो गई जो अब मुझे एफ वन के अंदर लेकर जानी है। सो इसको पेस्ट करते हैं एफ वन में, क्लिक मी, और ऑब्वियसली ये ए ई तो एक ऐसे टाइल पर बनाया तो इसके तो आ नहीं रही सीआर, लेकिन टेबल आपकी आ जाएगी, देन यू कैन टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली, राइट। आई होप यू आर विद मी कि उतना भी मुश्किल नहीं है अमोस में काम करना। फाइनली एक हम थर्ड ऑर्डर को भी देख लेते हैं, ये आपके लिए असाइनमेंट है। ये सेकंड ऑर्डर है, बी एफ जी और ए मिलके ए बी एफ जी बना, और ये तीन है। इसमें कैसे करेंगे, इसमें कोरिलेशन तो सबका देगा, कोरिलेशन सिर्फ टू साइडेड का देता है। तो देखिए यहां तो कोरिलेशन आएगा ही नहीं ना इनका, तो कोरिलेशन तो सिर्फ टू साइडेड एरो पे आता है, और जो ए बी एफ जी की सिर्फ इन दो की वैल्यू हम उठा के रखेंगे उससे हमारी निकल जाएगी। चलिए एक बार करके देख ही लेते हैं, अगर फिर कई बार कंफ्यूजन रह जाता है। सो देखिए कोरिलेशन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ टू साइडेड एरो है, सिर्फ वहीं आएगी, राइट। ए वन में पेस्ट करें, व्हाट अबाउट द एफ वन, एफ वन में कोई भी लोअर ऑर्डर हमें नहीं रखना है, तो लोअर ऑर्डर में अब बी एफ जी भी तो नहीं आएगा ना, अब सिर्फ ए बी एफ जी, डायग्राम को देखिए, ए बी एफ जी सी डी ई चार ही आएंगे ना। तो इसको एक्सेल में हम ले चलते हैं, पेस्ट, किस किस को हटा दें, बी एफ जी को हटा दें, ये भी अब लोअर ऑर्डर हो गया ना, ए ए भी लोअर ऑर्डर है, बी भी लोअर ऑर्डर है, सी रहेगा, डी रहेगा, ई भी लोअर ऑर्डर है, एफ बी और जी बी। ई लोअर ऑर्डर है क्या, ई तो लोअर ऑर्डर नहीं है, तो ई रहेगा, एफ और जी ये भी हट जाएंगे। सो लोअर ऑर्डर की हमने या जो इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्ट है उन सबको लिया, और लोअर ऑर्डर को हमने सब में से हटा दिया। लेट मी चेक, एक ए बी एफ जी है, सी डी ई चार कंस्ट्रक्ट मैंने लिए हैं, ए बी एफ जी सी डी ई, लोअर ऑर्डर को सबको हटा दिया। लोअर ऑर्डर अब बी एफ जी भी लोअर है और ये भी लोअर माना जाएगा, राइट। सो अब हम इस पे चलते हैं और इसको पेस्ट कर दें एफ वन में, होपफुली इट शुड वर्क, क्लिक, और ये आपका काम कर रहा है। हाँ, इसमें क्या नहीं है, एस टी एम टी वगैरह नहीं है ना, उसकी हम अगले वीडियो में बात करते हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।